आज मुश्किल है, कल थोड़ा और बेहतर होगा। बस हिम्मत मत हारना मेरे दोस्त, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। आप हर चीज में हिम्मत हार जाते हैं। आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, आपसे कोई सब्जेक्ट नहीं हल हो रहा है, तो आप एकदम से हिम्मत हार के उस किताब को फेंक देते हैं या रख देते हैं और उसको पढ़ने का आपका मन नहीं करता। फिर आप कहते हो, भैया मेरा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हिम्मत नहीं हारनी है। अगर हिम्मत नहीं हारी तो आपका भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। जय हिंद साथियों, कोहली दिस साइड, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोहली जॉब्स इन्फो में। तो कैसे हो आप सभी भाई और बहन। आज आपने ऊपर देख लिया असिस्टेंट ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर और वर्कशॉप में जो वैकेंसी आई थी, मैं उसके बारे में आज आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन थे भैया कि आप मुझे डेट बता दीजिए, एग्जाम डेट कब तक होगा, हमारी एग्जाम फीस भी सब सबमिट हो गई है, मुझे एग्जाम के बारे में थोड़ा डिटेल बता दीजिए। तो मैं बताना चाहूंगा, इनका जो एग्जाम है असिस्टेंट ऑपरेटर है। असिस्टेंट ऑपरेटर नाम से ही आपको लग रहा होगा, किसी ना किसी चीज को ऑपरेट करेंगे, कोई मशीन को ऑपरेट करेंगे, चाहे वॉकी टॉकी हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ऐसा आइटम हो विभाग में, जिसको ये ऑपरेट करेंगे, चलाने से लेकर या उसको पुर्जे जोड़ने से लेकर सारा काम ये असिस्टेंट ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर करेंगे। और ये वर्कशॉप भी कुछ ना कुछ चीज सामग्री बनाएंगे या कोई सभी का काम होगा। असिस्टेंट ऑपरेटर की वैकेंसी आपकी लगभग 1374 थी, वही रेडियो की लगभग 936 थी। अगर इसमें थोड़ी गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा। वर्कशॉप की आपकी थी लगभग 120, तो टोटल मिला के शायद ये हो गई थी हमारी 2034 के आसपास या 30 के आसपास, 2034। बहुत दिनों से बोल रहे हैं भैया इसका एग्जाम की डेट बताइए, तो डेट मैं बताना चाहूंगा। देखो इसके टेंडर कब से, फरवरी से इसका टेंडर लगा हुआ है कि भैया कौन सी संस्था इसका एग्जाम कराएगी, ठीक है। फरवरी के मध्य में इसका बताया, फिर मार्च के मध्य में बताया, और अब क्या बता रहे हैं, अप्रैल के आसपास, अप्रैल लास्ट तक इसका टेंडर बता रहे हैं, 22 अप्रैल के आसपास तक का इसका टेंडर बता रहे हैं। देखो अभी तक का जब टेंडर सुनिश्चित नहीं हुआ है तो एग्जाम डेट कैसे आएगी, है ना। एग्जाम डेट जब आएगी जब तक का टेंडर कोई ले ना ले। और टेंडर देखिए, आप लोगों ने फॉर्म तो भर लिया है, अब आपको किस चीज की वो लगी हुई है कि खुजली लगी हुई है कि आप क्या कहते हैं भैया एग्जाम कब आएगा, एग्जाम कब आएगा। इतनी प्रिपरेशन नहीं हुई होगी सभी की। जितने लोग बोलते हैं भैया एग्जाम कब होगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर गया, आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, पूरी ए टू जेड एक एक चीज रट डालिए। ये नहीं कि भैया इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट टॉपिक बताओ, इंपोर्टेंट टॉपिक से आज तक कोई पास नहीं होता। वो लोग एवरेज में बीच की गिनती में आ जाते हैं, फर्स्ट सेकंड मेरिट लगेगी लेकिन फाइनल मेरिट में पीछे हट जाएंगे। हमारा काम है हमारा नाम फाइनल मेरिट में आए पूरा सिलेक्शन के साथ। तो आप अभी जब तक आपका ये एग्जाम डेट नहीं आई है, आप पूरी प्रिपरेशन करिए, एक एक चीज को रट डालिए, एक एक चीज की प्रैक्टिस कीजिए, करंट अफेयर पढ़िए, कोई सी भी चीज हो जो सिलेबस से रिलेटेड है उसको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए। आपकी एग्जाम डेट मेरे हिसाब से मैं बताना चाहूंगा, अप्रैल के लास्ट तक का इन्होंने टेंडर कराया। अगर इस फॉर्म लगभग 15 मार्च तक के भरे गए और 22 अप्रैल के आसपास, ठीक है। अब इस फीस सबमिट के बाद हमारा पेपर कब होना सुनिश्चित होगा, इसमें 2 महीने प्लस जोड़ दो, 2 महीने कम से कम किसी भी जॉब को कराने में, एग्जाम को कराने में लगभग 2 महीने का टाइम दिया जाता है, इससे कम नहीं दिया जाता है। इसमें हमने 2 महीने जोड़े, अप्रैल मई जून, जून की 22 तारीख तक तो कोई उम्मीद नहीं है पेपर होने की, पेपर होने की कोई उम्मीद नहीं है। और उम्मीद कब है आपकी, जुलाई के फर्स्ट वीक से उम्मीद है, जुलाई में आपका पेपर जा सकता है, बिल्कुल जुलाई में आपका पेपर इसलिए जा सकता है क्योंकि एक तो ये उन्होंने क्या कह रखा था, बोला था मुख्यमंत्री साहब ने कि 100 दिन के अंदर वो भर्तियों का चयन कराएंगे, पूरा सुनिश्चित कर लेंगे। वो 100 भर्ती इन्हीं से गिन के जाएंगी, ये जो है ना इनका फाइनल पेपर हो जाएगा, इनका पेपर कंडक्ट करा लेंगे वो 3 महीने के अंदर, लगभग आपका जुलाई से पहले ये तीनों का पेपर नहीं होने का कोई उम्मीद नहीं है। आप अपनी मेहनत पे कंसंट्रेट करिए और किसी ऊपर हवाई हवाई बातें मत करिए, कोई यूट्यूब कह रहा मई में हो जाएगा, कोई इसमें कोई उम्मीद ही नहीं है। आप किसी के भी पेपर की वो डिटेल उठा के देख लीजिए, जब अप्लाई फॉर्म की लास्ट डेट होती है उसके 2 महीने कम से कम आपको डेट दी जाती है, और उससे पहले कभी भी पेपर आज तक तो मैंने देखा नहीं है। आपने देखा हो तो मुझे बता दे। मैंने पहले की वीडियोस में असिस्टेंट ऑपरेटर की कट ऑफ से रिलेटेड टॉपिक बनाया था,
वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें थंबनेल 300 मार्क्स का समझ के मैंने पेपर का कट ऑफ निकाला था, लेकिन मिस्टेक होने के कारण मैंने थंबनेल चेंज कर दिया था। थंबनेल चेंज करने के बाद मैंने बोला था कि मैंने दूसरी वीडियो में इसको करेक्ट किया है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं बस अंदर की वीडियो देखता है फिर कहते हैं भैया पेपर तो 400 नंबर का, आपने कट ऑफ इतनी कम कैसे निकाल दी। मैंने कहा भैया आप मेरा थंबनेल देख लीजिए मैंने क्या लिखा है। थंबनेल में लिखा है मिस्टेक होने के कारण मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूं, दूसरा वीडियो में आप उसको थंबनेल उसको करेक्ट कर दिया गया है, लेकिन लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है, थोड़ी सी भी, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अंत में जय हिंद साथियों।